गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास फर्स्ट की इंग्लिश की क्लास लगा रहे हैं और हमारा टॉपिक वही कर्सिव राइटिंग है। हमने पिछली क्लास तक हमने एफ तक हमने लेटर किए थे कर्सिव में, आज हम आगे करेंगे जी। कर्सिव में जी कैसे बनाते हैं, कैपिटल जी। ये क्या है जी, ये जो है कैपिटल जी कर्सिव में फोर लाइन्स में बनता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस तरह से लाइन लगाएंगे कर्व करते हुए, इसको घुमा के ऐसे और ऐसे कर देंगे। ये क्या बन गया जी। अभी हम इसे लाइन्स में बनाते हैं कि इसे फोर लाइन्स में कैसे बनाएंगे। ऊपर वाले जो टू लाइन्स हैं, पहले उसमें क्या करोगे आप, ऐसे इसको कर्व करते हुए ऐसे घुमा के ऐसे करोगे, ठीक है। ऐसे घुमा दिया और नीचे जो बीच वाली टू लाइन्स है उसमें ऐसे राउंड करके घुमा के और नीचे वाली लाइन्स में ऐसे, ये क्या बन गया जी। दोबारा बताती हूँ, ऊपर वाली टू लाइन्स में ऐसे कर्व करके नीचे ऐसे बीच वाली टू लाइन्स में ऐसे बन जाएगा और फिर ऐसे जी। जी फॉर ग्रेप्स। सबसे पहले क्या करना है आपको, ऐसे कर्व की लाइन लगानी है, ठीक है। ऐसे फिर इसको ऐसे राउंड करके थोड़ा और नीचे ऐसे ऐसे करके सीधे स्टैंडिंग लाइन और ऐसे टर्न करके ऐसे कर लेना। ये क्या बन गया जी। जी फॉर ग्रेप्स। आप बार बार प्रैक्टिस करोगे आपको आ जाएगा। ये ध्यान रखना कि फोर लाइन्स में बनाना है आपको। इसके बाद हम बनाएंगे एच। एच में क्या करना है, ऐसे थोड़ा कर करना है फिर स्टैंडिंग लाइन और इसको थोड़ा बार कर देना, बार की तरफ जैसे ऊपर बनाया वैसे नीचे और एक इधर स्टैंडिंग लाइन और बीच में जैसे ए में अपने बोल करते हैं ना बीच में ऐसे एच एच, ठीक है। अब लाइन से बनाते हैं, ऊपर थ्री लाइन्स पे बनेगा, कर्व किया ऐसे स्टैंडिंग लाइन फिर इधर बार को कर्व फिर एक और स्टैंडिंग लाइन और बीच में ऐसे घुमा देंगे। ये क्या बन गया एच। सबसे पहले क्या किया, ये लगाया है आपने नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, नंबर फोर और नंबर फाइव, ऐसे आपको बनाना है, ठीक है एच। इसके बाद बनाएंगे आई। आई भी आपको ऊपर वाली थ्री लाइन से बनाना है। सबसे पहले क्या करेंगे, स्टैंडिंग लाइन ओके, फिर इसको ऐसे हाफ सर्कल सर्कल कर देंगे और नीचे से थोड़ा सा ऐसे टर्न कर देंगे। क्या बन गया आई। एक बार और देखेंगे, स्टैंडिंग लाइन ऊपर से ऐसे राउंड करेंगे हाफ सर्कल बनाएंगे और जैसे सी बनाते ना वैसे और ऐसे टर्न कर देंगे। क्या बन गया जी। ऊपर वाली थ्री लाइन्स में सॉरी आई, स्टैंडिंग लाइन घुमा टर्न का घुमा हाफ सर्कल और नीचे से थोड़ा सा ऐसे आई, ठीक है। इसके बाद हम बनाएंगे जे। जे कैसे बनता है, फोर लाइन्स में बनता है, स्टैंडिंग लाइन और ऐसे, ठीक है कैपिटल जे। फोर लाइन से बनाना है, नंबर वन स्टैंडिंग लाइन, नंबर टू, नंबर थ्री लाइन से बनाएंगे। फोर लाइन्स में स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे पहले, फिर इसको ऐसे करेंगे और ऐसे जे। ओके स्टूडेंट्स, जी एच आई जे फोर लेटर्स हैं और इनको आप बार बार अपनी नोटबुक में प्रैक्टिस करोगे। अब हम करते हैं हमारा जो हम करते हैं ना साउंड, साउंड कर रखे हैं हमने साउंड ऑफ ए और ई दो कर लिए हैं, आज हम करेंगे साउंड ऑफ आई। आई इसके हिंदी में चैलेंज कैसे करते हैं, ई जैसे छोटी ई होती है ना ई इमली,
वो वाला। और इसको बोलते कैसे है, बोलना आपको जल्दी से है, जल्दी तेजी से बोलना है। कैसे बोलना है, तेजी से, ऐसे जैसे इ, इ, इसको लंबा नहीं खींचना, ए, जैसे हिंदी में जैसे आपको ये मात्रा बोलते हो, कैसे बोलते हो, गि जी टिन। तो इसको तेजी से बोल, यही इसकी पहचान होती है कि जब हम तेजी से बोलते हैं तो वहाँ पे क्या होती है, छोटी ई, और जब इसको हम लंबा बोलते हैं वहाँ पे आती है बड़ी ई। तो आज आई हम क्या करते हैं, इसका इस आई का मतलब है छोटी ई, यानी कि जिस स्पेलिंग में हम आई लगाते हैं वहाँ पे क्या हिंदी में छोटी ई की मात्रा लगती है। आई के अंदर हम जैसे आई टी इट ई ट इट आई एन ई न इन आई जी ई ग इग, इस तरीके से हम स्पेलिंग्स करते हैं, बनाते हैं। अब हम देखेंगे स्पेलिंग इसकी, जैसे आ आई एन जी रिंग रिंग रिंग। तो हिंदी में हम क्या लगते हैं रिंग में, बड़ी र पे, र के साथ आई लगाए तो हम र पे छोटी की मात्रा लगाते हैं और रिंग रिंग रिंग, ठीक है। इस तरीके से इसको छोटे की मात्रा, यानी कि इसको जल्दी जल्दी बोलना है, ये इसकी पहचान है। रिंग के आई एन जी किंग, एफ आई एन जी सिंग, डब्ल्यू आई एन जी विंग, रिंग किंग सिंग विंग। बी आई जी बिग, अब बिग में भी तो ब पे छोटी की मात्रा लगाते हैं ना, वो बिग, इसको कैसे बोलते हैं बिग, ठीक है। आपको ये स्पेलिंग्स क्या है अपनी नोटबुक में करनी है और लर्न भी करनी है। आर आई एन जी रिंग, के आई एन जी किंग, एफ आई एन जी सिंग, डब्ल्यू आई एन जी विंग, बी आई जी बिग। ओके स्टूडेंट्स, और इस कर्सिव राइटिंग को आप बार बार प्रैक्टिस करोगे। ये 4 लेटर्स करने के साथ साथ जो पीछे हमने लेटर्स किए हैं ए बी सी डी ई एफ, वो भी उनकी भी बार बार प्रैक्टिस करनी है। ओके।